हेलो दोस्तों, मैं सौरव मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के 10 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका एग्जाम चाहे RPF का हो, ALP का हो, SSC GD का हो या फिर कोई और एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, नीचे मैंने लिंक दे दिए हैं 15 वीडियो का जो मैं क्रैश कोर्स बना रहा हूँ मैथ का, रीजनिंग का और ऑनलाइन टेस्ट का, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सारी वीडियो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और देखिए आज का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका वो रात के 11 बजे होगा, तो 11 बजे से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का क्रम 4:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखिए, मूल मिश्रण में आपका दूध की पूछ ली जाए चाहे पानी की पूछ ले जाए, बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप दोनों ही कंडीशन में कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दूध और पानी का जो रेशो दे रखा है वो 4:3 दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो दूध और पानी की क्वांटिटी कितनी है? 4x और 3x, ठीक है। तो मिल्क और वाटर की मैं क्वांटिटी बोल सकते हैं, यहाँ पे 4x और 3x है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 लीटर पानी डाल देने पर, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी वाटर की क्वांटिटी थी 3x, उसमें 6 लीटर और बढ़ा दिया गया है, और इसके 6 लीटर पानी डालने के बाद में रेशो ये बन के आता है, 8:7 का रेशो बन जाता है, ठीक है भाई। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे 4x और 3x में प्लस आपने कर दिया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको x की वैल्यू मिल जाती है तो आप पूरे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 28, और इधर करेंगे कितना हो जाएगा? 24, 8 की 3 में 8 से 24 और 8 6 48। यहाँ पे x वालों को एक साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, 28x और 24x, तो 4x बच जाएगा, तो यहाँ पे और ये हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 48/4, तो कितना हो जाएगा? 12। तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई है। यहाँ पे क्या पूछा है कि पहले मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी कि पहले दूध की मात्रा कितनी थी, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे था 4x, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली? 12, तो 4 में 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 48 लीटर। तो पहले दूध की मात्रा 48 लीटर थी, ठीक है भाई, तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अगर मिल्क की पूछी जाती तो आप मिल्क की भी निकाल सकते थे, 12 की 3 में करते तो कितना हो जाता? 36, 36 प्लस 6, आप ये करते 42, तो यहाँ पे अभी जो पानी की मात्रा है वो 42 लीटर है, और पहले कितनी थी? 36 लीटर थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनसे आपको आइडिया तो मिलेगा ही कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है, एक मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो, तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है? देखिए, स्प्रिट और वाटर की जो मात्रा है रेशो में कितनी रखे? 3:2 के रेशो में, ठीक है। स्प्रिट और वाटर का जो रेशो है वो 3:2 है, और यहाँ पे क्या बोला गया? यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है। देखिए, स्प्रिट और स्प्रिट वाटर से कितना अधिक है रेशो में? केवल 1 से अधिक है। स्प्रिट का जो रेशो है वाटर से वो केवल 1 से अधिक है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो, तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है? तो 1/3 हो जाएगा भाई, 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें स्प्रिट की मात्रा, तो स्प्रिट का रेशो 3 है, तो यहाँ पे 1/3 है, तो आपकी 3 की 3 में कर दीजिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, तो 9 लीटर इसमें स्प्रिट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरीके से देखिए कि भाई रेशो में तो केवल ये 1 से बढ़ रहा है, रेशो केवल 1 से बढ़ रहा है, बट जो एक्चुअल में बताया गया है वो 3 का इंक्रीमेंट बताया गया है। जो स्प्रिट है वो वाटर से 3 लीटर अधिक है, इसका मतलब ये 1:1 तो बढ़ रहा है, बट ये 1:3 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पे अब चाहे इसमें वाटर पूछ ली जाए, तो वाटर आपका 6 लीटर हो जाएगा, 3 2 6, और स्प्रिट आपकी 9 लीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको करना कैसे, देखिए क्वेश्चन तो आपका ये है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा है 1/2 + 1/1 + 1/8, इस तरीके से लिखा है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आपने देखे भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो करना कैसे होता है, इसको करना आपको इसको नीचे से होता है। जैसे यहाँ पे 1 + 1/8 लिखा है, तो सबसे पहले इस पोर्शन को ही सोल्व करिए, ऊपर वाला बिल्कुल रिमेन रहने दीजिए, जैसा लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 की 1 में करेंगे तो 1 8 1 जा 8 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 9/8, तो 9/8 यहाँ पे आ गया। ये इतना पोर्शन सोल्व करने के बाद में क्या आया, 9/8 आया। अब इस 9/8 में ये 8 तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है, ये समझिए सोल्व हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 8/9, 2 + 8/9 है। अब इस 2 + 8/9 को हम सोल्व करेंगे, इस वाले को, ठीक है। ये 8 तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे तो 1 है, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 × 18 + 8 = 26/9। अब ये क्या हो जाएगा, 26/9 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 26/9 अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/26, ये आपका 9/26 बन जाएगा, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नीचे की तरफ से आप इसको सोल्व करके देखें, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राई करके देखिए आप भी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पे 1 + 2/3 + 1 + 3/4 + 1 + 4/5 इस तरीके से लिखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए अब इसको मैं सोल्व करूँगा, सबसे पहले इस पोर्शन को, तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 5 + 4 तो 9/5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 9/5 जो लिखा है, अब ये 9/5 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, इस 9/5 को ऊपर लेके जाऊंगा, यानी कि इस 5 को जो नीचे था इसमें 3 में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। तो 1 + 15/9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सोल्व करके 9/5 आता है। इसको सोल्व करके कितना, 9/5 में ऊपर जाके इसमें 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 + 15/9 और ऊपर वाला वैसे का वैसे रखेंगे। फिर नेक्स्ट आप इसको सोल्व करेंगे, अब इसको आप नेक्स्ट को सोल्व करेंगे तो 9 × 9 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 24/9। अब 24/9 में भी आप क्या करेंगे, इस 9 को तो ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18/24। भाई समझ में आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें बिल्कुल आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 + 18/24 लिखा है, और अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 + 1 = 24 + 18 तो कितना हो जाएगा, 42/24। अब इसको आप सोल्व करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 42/24 को कट करेंगे किस कॉमन नंबर से, होता है 6 से, तो 6 से कट करेंगे 7 बार, और 6 × 24 तो ये 4 बार, तो 7/4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। भाई थोड़ा सा आप ना इस क्वेश्चन को एक बार और जो जैसे जैसे मैंने बोला है ना वैसे वैसे करके देखिए, और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे करना होता है, ठीक है। नीचे से सोल्व करिए, यानी कि पहले इस पोर्शन को सोल्व करिए, जो भी आए उसे ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर फिर उस पोर्शन को सोल्व करिए, फिर जो भी आएगा फिर यहाँ पे उस ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई, फिर उस पोर्शन को सोल्व करिए, यानी कि एक एक स्टेप को सोल्व करते रहिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। इसमें बोला जा रहा है 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिलाया दिया जाए तो मिश्रण में पानी की प्रतिशत कितनी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण बनके तैयार कितने का होगा। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण जो आपका होता है वो किसी भी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दूध में 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिलाया जाए, तो इसका मतलब 200 लीटर आपका क्या है, मिल्क है, और उसमें 150 लीटर पानी मिलाया जाए तो 350 लीटर यहाँ पे मिक्सचर बनके तैयार हो गया। तो 350 जो लीटर आपका ये मिश्रण तैयार हुआ है, इसमें क्या करेंगे, हम पूछा है इसमें कि यदि इसमें मिला दिया जाए तो प्रतिशत बताइए, पानी की प्रतिशत हमें बतानी है। तो पानी की प्रतिशत निकालेंगे तो पानी है कितना, 150, और टोटल मिश्रण कितना है, 350। अब पूछा इस मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या है, तो 150/350 करेंगे ना भाई, 150/350 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे, गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसको कट करेंगे 5 × 3 = 15 और 5 से कट करेंगे 7 बार, तो कितना होगा आपका, 300/7, 300 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, 42/6/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42/6/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है,
20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी और डाल दे तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर अल्कोहल है, तो यानी कि 20 लीटर अगर मिश्रण है और उसमें 20% अल्कोहल है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 लीटर आएगा। तो यानी कि अगर 4 लीटर अल्कोहल है तो बचा हुआ कितना, ये क्या बचेगा, आपका वाटर बचेगा। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर 20 लीटर में 20% अल्कोहल है तो बचा हुआ मिश्रण में क्या बचेगा, पानी। तो वो पानी कितना बचेगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 लीटर वाटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 5 लीटर पानी और डाल दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत कितनी बचेगी। तो यहाँ पे अगर पानी 5 लीटर और ऐड कर दिया जाए, यानी कि 21 लीटर पानी अब हो गया है, और टोटल मिश्रण कितना तैयार हो गया भाई, 21 लीटर प्लस 4 लीटर, टोटल मिश्रण आपका हो गया है 25 लीटर, जो कि पहले 20 लीटर था। अब पूछा है इसमें अल्कोहल की प्रतिशत कितनी होगी, तो यहाँ पे अल्कोहल तो अभी भी 4 ही लीटर है, तो इसमें परसेंटेज कितनी हो जाएगी 4 लीटर में, तो 4 अपॉन में 25 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 से 100 जाएगा 4 बार, 4 की 4 में करेंगे तो 16%, यानी कि जो अल्कोहल था पहले वाले मिश्रण में 20% था, अभी केवल 16% रह गया है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रण बढ़ गया है, और मिश्रण में बढ़ा क्या है, पानी बढ़ा है, अल्कोहल नहीं बढ़ा है, अल्कोहल रिमेन उतना ही है जितना पहले था, तो इसलिए ये 16% हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहे क्वेश्चन तो लाइक का बटन बिल्कुल जरूर दबाते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी, पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी? तो बिल्कुल सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है 12 महीने में खपत कितनी होगी, सबसे पहले हमें ये निकालना है। यहाँ पे बताया क्या गया है कि प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी, यानी कि जो पेट्रोल की खपत थी पहले 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी, तो कितना हो जाएगा टोटल खपत, 770 लीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह हो गई, तो अगले 5 महीनों में यानी कि 86 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 430 लीटर। ठीक है, तो अगले 5 महीनों में 430 लीटर होगी, टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 1200 लीटर, टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 लीटर यहाँ पे खपत हुई है पूरे 12 महीनों में। अब पूछे औसत खपत कितनी होगी, तो 1200 को 1200 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 100 लीटर प्रति माह आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए दोनों का औसत हमने निकाल लिया, पहले 110 लीटर प्रति माह होती थी, फिर 86 लीटर प्रति माह होने लगी, और टोटल अगर हमने निकाला है औसत तो वो आया 100 लीटर प्रति माह, आपकी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को आता होगा और बहुत सारे को नहीं आता होगा, जिनको नहीं आता तो सीख लीजिए। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है? यहाँ पे देखिए टोटल जो दूरी है उसका आधा आधा भाग करके वो दो अलग अलग चाल से कवर कर रहा है। अगर वो एक ही चाल से कवर करता तो क्वेश्चन अलग बन जाता। अब वो सेम डिस्टेंस को देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस ये 10 है, एक एग्जांपल देखिए कि टोटल डिस्टेंस अगर ये 10 है तो वो बोल रहा है आधा भाग तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर कर रहा है, यानी कि वो 5-5 किलोमीटर अलग अलग चाल से कवर कर रहा है। तो जब भी ये कंडीशन होती है कि एक सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है, तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी होती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो बहुत ही सिंपल है, बस फंडा इतना ध्यान रखना है कि जब सेम डिस्टेंस को, वो सेम डिस्टेंस कभी भी हो सकती है कि कोई भी ट्रेन मान लीजिए यहाँ से गई अलग चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये एक फिक्स डिस्टेंस है, ए से बी डिस्टेंस है, एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस आई, गई तो वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा और आई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया गया है, और पूछा गया कि औसत चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 7 और 9 को प्लस करेंगे 16 और 2 से डिवाइड कर देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ये नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी है, यहाँ पे भी आप गलती बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं कि 6 और 3 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ट्रिक अप्लाई करनी है यहाँ पे, जब भी सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है तो आपको औसत चाल इस तरीके से निकालनी होती है। तो 2 गुना यहाँ 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो 2 गुना 6 और 3 और अपॉन में 6 और 3 की प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12
18 भारत या 36, 36 अपॉन में 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा, कितनी भी अलग डिजिट और कितना भी हार्ड दे दे, ट्रिक यही अप्लाई होगी, बस आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एवरेज के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, औसत के कुछ और क्वेश्चन हैं आपके। 25 परिणामों का औसत 18 है, यानी कि कोई 25 परिणाम है और उनका औसत 18 है, इनमें से 12 प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, 13वां परिणाम कितना है, 13वां परिणाम आपको निकालना है। सबसे पहले टोटल परिणामों का जो सम है वो निकाल लेते हैं। 25 परिणामों का औसत 18 है तो 25 गुना 18 करेंगे 450 आपका आ जाएगा। टोटल ऑफ फर्स्ट 12 परिणाम, पहले प्रथम 12 परिणामों का टोटल कितना होगा, 12 गुणा 14 कर लेंगे क्योंकि प्रथम 12 जो परिणाम है उनका औसत है 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1668। और अंतिम 12 परिणामों का औसत कितना है, वो 12 गुणा 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 204। अब हमने क्या किया, ये कितना हो गया अंतिम प्रथम और अंतिम 12 12, यानी कि 24 परिणामों का औसत हमें पता चल चुका है, सम पता चल चुका है, और हमें पूरे 25 के 25 परिणामों का भी सम पता चल चुका है, वो 450 है। इन दोनों को हमने प्लस किया, 372 हो गया। अब क्या करेंगे आप, 450 में से अगर मैं 372 माइनस करूँ तो ये कौन सा बच के आएगा, ये आएगा 13वां जो परिणाम है वो आपका निकल के आएगा, तो ये कितना आएगा 78, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी सप्ताह में सोमवार मंगल और बुध का औसत तापमान 40 डिग्री था एवं मंगल बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सोमवार मंगल बुध, यानी कि तीनों दिन का जो औसत तापमान था वो 40 डिग्री था, तो 40 गुना 3 करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मंगल बुध और बृहस्पत का जो औसत तापमान था वो 41 डिग्री सेल्सियस था, तो 41 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे बाद में एक चीज़ और बोली गई कि बृहस्पत का तापमान 42 डिग्री है। अगर मैं इसमें से मंगल और बुध और बृहस्पत में से बृहस्पत का माइनस कर देता हूँ, यानी कि 123 में से अगर 42 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 81, और ये 81 किसका बचेगा, मंगल और बुध का। सीधा सीधा सा है भाई, मंगल बुध का बचेगा ना, तो इस मंगल बुध से मैं अगर इस मंगल बुध का इसमें से माइनस कर दूँ तो मुझे सोमवार का मिल जाएगा, और आपसे यही पूछा गया है तो सोमवार का तापमान कितना था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 120 में से 81 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 120 में से 81 माइनस करेंगे तो 39 आपका डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा सोमवार का, यही आपका राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपको एक वीडियो कैसी लगी, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए, कितने बच्चों ने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा ये भी बताइए, और मैं आपको आशा करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है लगातार कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो बनाने का। टेस्ट आपका 11 बजे होगा तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा 11 बजे, और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए रेड कलर का बटन दबा करके, और बार बार चैनल को चेक करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है उसको भी आप देख सकें। ठीक है, और देखिए दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और जाके ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी, टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो आपको सारे की सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी और आप वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी ट्विटर पे कहीं पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी फेसबुक पे, सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे टॉपिक स्टडी, सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, आप कहीं पे भी तो आपको हर जगह अपना सोशल मीडिया है जो हैंडल है वो मिल जाएगा, या फिर आप सौरभ मलिक सर्च करके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।